किसी जगह दो शख्स रहते थे। एक का नाम अकल था और दूसरे का नाम नसीब था। एक दफा वो दोनों कार में सवार होकर एक लंबे सफर पर जा निकले। आधे रास्ते में सुनसान रास्ते पर उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। दोनों ने कोशिश की कि किसी तरह रात गहरी होने से पहले वहां से निकल जाए, मगर इतना पैदल चलने से बेहतर ये जाना कि इधर ही वक्त गुजार लें जब तक कोई मददगार नहीं आ जाता। अकल ने फैसला किया कि वो सड़क के किनारे लगे हुए दरख्त के नीचे जाकर सोएगा, लेकिन नसीब ने फैसला किया कि वो सड़क के दरमियान में ही सोएगा। अकल ने नसीब से कहा भी कि तू पागल हो गया है, सड़क के दरमियान में सोना अपने आप को मौत के मुंह में डालना है। लेकिन नसीब ने कहा, नहीं, सड़क के दरमियान में सोना मुफीद है। किसी की मुझ पर नजर पड़ गई तो जगा कर यहाँ सोने का सबब जरूर पूछेगा और हमारी मदद भी करेगा। और इसी तरह अकल दरख्त के नीचे जाकर सो गया और नसीब सड़क के दरमियान में ही पड़कर सो गया। कुछ ही घंटे भर के बाद एक बड़े तेज रफ्तार ट्रक का उधर से गुजर हुआ। जब ट्रक ड्राइवर की नजर पड़ी कि कोई सड़क के बीचों बीच पड़ा सो रहा है, तो उसने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक नसीब को बचाते बचाते मुड़कर दरख्त में जा टकराया। दरख्त के नीचे सोया हुआ बेचारा अकल कुचल कर मर गया और नसीब बिल्कुल महफूज रहा। तो दोस्तों, शायद हकीकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। नसीब लोगों को कहां से कहां पहुंचा देता है, हालांकि उनके काम अकल से नहीं हो रहे होते, ये उनकी तकदीर ही होती है। बाज़ोकात सफर से ताखीर किसी अच्छाई का सबब बन जाया करती है। लेकिन मायूस मत हुआ करो, हौसला मत हारो। हो सकता है एक चीज तुम्हारे लिए नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो, जो तुम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। इंसान की अकल से बनाए हुए मंसूबों पर हमेशा तकदीर ही गालिब होती है, इसीलिए जो फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं वही इंसान के लिए बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।